हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर आलोक। और आज इस वीडियो सेगमेंट में हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, उसका नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। तो लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को आज डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर पर रहेगा। हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ ऑस्मोसिस। पहले तो हम लोग ऑस्मोसिस को देखेंगे कि ऑस्मोसिस होता क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होती है। तो इन सारी बातों को आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि लेक्चर किस तरह से आपको फ़ायदा पहुंचाता है। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। तो सबसे पहले बात हम लोग करेंगे कि व्हाट इज़ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस होती क्या है, ऑस्मोसिस होती क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए, ऑस्मोसिस क्या है? स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा कि सॉल्वेंट के फ्लो के बारे में बात कर रहे हैं कि सॉल्वेंट फ्लो करेगा लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की तरफ, या हम ये कहें कि सॉल्वेंट मूव फ्रॉम इट्स ओन हायर कंसंट्रेशन। भाई अगर हम ये कहते, पहले लिख लेते हैं, इसको समझिएगा। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन या यहीं ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं। ये बात हम लोग कर रहे थे सॉल्यूशन के बारे में, और जब हम बात करेंगे कि इट्सेल्फ वाटर का कंसंट्रेशन वहां पे क्या होगा, जहां पे लोअर कंसंट्रेशन है तो वाटर का कंसंट्रेशन वहां ज्यादा होगा, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है। या इसको हम लोग इस तरह से कह सकते हैं, आर हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। When, अब कंडीशन लगाएंगे कि कब, when they are separated by a semi permeable membrane। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को अब हम लोग आगे SPM के से डिनोट कर देंगे, SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इतनी बात समझ में आ गई कि जब किसी भी सॉल्यूशन को हम लोग अभी पूरे फिगर वाइज मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो आइए पहले इसको समझ लेते हैं कि व्हाट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है। तो यहां पर लिखता हूं SPM, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, that membrane which allow the movement of solvent molecule only, allow the movement of solvent molecule only
ऐसी मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट का मूवमेंट ही केवल अलाउ करती हो उसको हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आर आइदर आइदर नेचुरल आर आर्टिफिशियल। अब ये देखिए, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या इसको हम डायरेक्टली एसपीएम लिखते हैं, एसपीएम दो तरह के होंगे, एसपीएम दो तरह के होंगे, आइदर इट इज नेचुरल आर इट इज आर्टिफिशियल। आइए एग्जांपल देख लेते हैं। नेचुरल का मतलब जो प्राकृतिक हो, जो प्राकृतिक हो, तो जैसे कि पिग ब्लैडर, पिग ब्लैडर ये आपका नेचुरल नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, या सेल मेम्ब्रेन, कोई भी सेल मेम्ब्रेन हो, सेल मेम्ब्रेन, किसी भी सेल मेम्ब्रेन को आप ले लीजिए। जबकि आर्टिफिशियल क्या होते हैं, आर्टिफिशियल आर आइदर सेलोफेन आर पार्चमेंट पेपर आर इनऑर्गेनिक प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर फेरोसाइनाइट, कुछ भी, तीनों में से कुछ भी, और भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहां पे इसका एग्जांपल है सेलोफेन, एग्जांपल लिख रहा हूं, सेलोफेन पार्चमेंट पेपर आर इनऑर्गेनिक प्रेसिपिटेट, इन ऑर्गेनिक पीपीटी ऑफ कॉपर फेरो साइनेट। ठीक है, साइनेट साइनाइड, सॉरी एट लिख दिया मैंने, साइनाइड कॉपर फेरो साइनाइड, और भी बहुत सारे हैं, ईटीसी लिख लीजिएगा आगे, ईटीसी, ठीक है, फेरो साइनाइड। ओके, तो ये दो चीजें आप लोगों ने समझ ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक्चुअली में मुझे ऑस्मोसिस को आपको समझाना है कि इसकी फेनोमेना क्या है। तो फेनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस को हम लोग देखेंगे, तो यहां पे हेडिंग में डालता हूं फेनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस की क्या फेनोमेना है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस की फेनोमेना को समझने के लिए हम लोग, मान लीजिए कि यहां पे मैंने एक कंटेनर ले रखा है, ये हमारा कंटेनर है, और इस कंटेनर में हम लोगों ने क्या किया हुआ है, एक तरफ यहां पे हम लोगों ने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। ठीक है, ये हमारा एसपीएम है, लिख लेते हैं कि दिस इज एसपीएम, और इस तरफ हम लोगों ने ले लिया है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का क्या कलर होगा, ब्लू कलर, तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ले लिया है सोल्यूशन, और इस तरफ हम लोगों ने प्योर वाटर ले रखा है, प्योर वाटर। ओके, अब देखिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ओनली अलाउ द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, और सॉल्वेंट क्या, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, तो सॉल्वेंट हमारा किधर से किधर मूव करेगा भाई, इधर लोअर कंसंट्रेशन है, या हम ये कहें कि वाटर का सॉल्वेंट का हायर कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट के लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। भाई इसमें कॉपर सल्फेट डाल दिया, तो कॉपर सल्फेट डालने की वजह से सॉल्वेंट तो कम हो गया ना, सॉल्वेंट का प्रोपोर्शन कम हो गया, तो वाटर का मूवमेंट कहां से कहां होगा, यहां से इस तरफ। तो आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद आपको ये जो कंटेनर दिखेगा, इस कंटेनर में आप देखोगे कि यहां पे आपका एसपीएम लगा हुआ है, और इस एसपीएम के लगे होने के बावजूद इधर से वाटर मॉलिक्यूल चला गया तो इसका लेवल डाउन कर जाएगा, और इधर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में वाटर मॉलिक्यूल आ गया तो इसका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और इधर वाटर है, तो वाटर इधर से मूव करके इधर आ गया, ऐसा आपको लेवल बढ़ा हुआ दिखेगा। तो दिस फिनमना इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, कि जब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन कह लीजिए, या वाटर अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर गया। आइए एक और एग्जांपल इसी तरह का ले लेते हैं, जिससे आपको ज्यादा आसानी से समझ में आए। हम दोनों तरफ कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लेते हैं, तो यहां पे देखिए अनदर एग्जांपल हम लोगों ने लिया, और यहां पे देखिए इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाए, एसपीएम लगा हुआ है, यहां पे भी एसपीएम लिख लो, यहां पे एसपीएम है। ठीक है, और हमने इधर भी कॉपर सल्फेट ले लिया है, और इधर भी कॉपर सल्फेट ले लिया है, और इधर हमारे पास जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है वो 1 मोलर का है, और इधर 0.1 मोलर का है।
अब बताइए मूवमेंट किधर होगा, लोअर सोल्यूशन लोअर कंसंट्रेशन किधर है, इधर है, तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। अब इधर लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट है तो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, तो मूवमेंट कहां से कहां होगा, यहां से यहां। तो मतलब आफ्टर सम टाइम्स अगर लेवल यहां से यहां आपने भर रखा था तो आफ्टर सम टाइम्स ये लेवल कहां चला जाएगा, ये लेवल कहां चला जाएगा, देखिए ये एसपीएम है आपकी और कुछ समय बाद इसका लेवल यहां पहुंच गया और इसका लेवल यहां पहुंच गया, ठीक है। तो वो मूवमेंट कब तक होगा, जब तक कि दोनों तरफ, या ये कहें कि ये मूवमेंट कब तक ऑस्मोसिस का मूवमेंट कब तक होता रहेगा, जब तक कि ये पूरी तरह से डाइल्यूट ना हो जाए, या हम ये कहें कि जब तक ये कंसंट्रेशन इक्वल ना कर जाए। इक्वल तो होने के चांसेस नहीं है, तो क्योंकि कंसंट्रेशन यहाँ पे 0.1 है, यहाँ पे 1 है, तो हो सकता है कि हो भी जाए, कभी ऐसा कंडीशन आए कि ऐसा हो कि भाई इधर भी 0.1 हो जाए, तो अगर हो जाएगा तो ये फ्लो रुक जाएगा। तो ये फेनोमेना आपको समझ में आ गई है, आगे बढ़ते हैं, तो लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं रब करूंगा उसके बाद आगे बढ़ूंगा। आइए आगे समझते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को, कि व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हेडिंग डालेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर को, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होती है, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की डिफिनेशन है द मिनिमम प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब एक ऐसा प्रेशर रख दें जो ऑस्मोसिस को रोक दे, भाई ऑस्मोसिस कहां हो रहा है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, अगर एक ऐसा प्रेशर लगा दें कि रुक जाए मूवमेंट ही, फ्लो ही रुक जाए, तो दैट प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहां पे ये देखिएगा कि मान लीजिए कि हम कह रहे थे कि मैंने यहां पे एक सोल्यूशन ले रखा है, ठीक है, और इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से हम लोगों ने जो है क्या किया हुआ है, अलग अलग कर रखा है, सेपरेट कर रखा है, इधर आपका प्योर वाटर है, वाटर है, और इधर हम लोगों ने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लिया है, CuSO4 का सोल्यूशन ले लिया है, ठीक है, CuSO4 का सोल्यूशन ले लिया है, मूवमेंट इधर हो रहा है, मूवमेंट इधर हो रहा है, लेकिन अगर कहीं हम यहां पे एक प्रेशर जनरेट कर दें, एक प्रेशर जनरेट कर दें, दैट प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट प्रिवेंट द फ्लो ऑफ वाटर, प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन, एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। उसी प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। तो लिख लीजिए डेफिनेशन, द मिनिमम प्रेशर required to prevent the process of osmosis from lower concentration to higher concentration is called osmotic pressure. OP. ओके, बात समझ में आई, ये बात आपकी समझ में आई, या कोई डाउट रह गया है अभी भी? अगर कोई डाउट है तो आप बताएं, उसको सॉल्व करेंगे। आगे आगे बात करते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज, अब बात करेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड करता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहां पे नेक्स्ट पॉइंट होगा ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of solution
सोल्यूशन के कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं, देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिफाइन करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हम लोग पाई वर्ड यूज करते हैं। तो पाई इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, पाई कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट ये भी आता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑल्सो। ऑस्मोटिक प्रेशर ओपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑल्सो, टू टेम्परेचर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, पाई इज प्रोपोर्शनल टू टी, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि पाई इज प्रोपोर्शनल टू सी टी। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो हमें मिल जाता है पाई इज इक्वल टू आर सी टी, ठीक है, पाई इज प्रोपोर्शनल टू आर सी टी। अब देखिए कंसंट्रेशन जो लिखा है, कंसंट्रेशन सी किसको डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन किस में होता है, मोलरिटी में। तो इसी को हम लोग पाई इज इक्वल टू एम आर टी भी लिख सकते हैं, एम कैपिटल से होगा, कैपिटल एम आर टी। तो आप ये फार्मूला यूज करो या आप ये फार्मूला यूज करो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, ठीक है। अब इसमें पूछा जाए कि आर क्या है, तो आर इज द सॉल्यूशन कांस्टेंट एंड इसकी वैल्यू कितनी होती है, आर क्या है, सॉल्यूशन कांस्टेंट होता है और सॉल्यूशन कांस्टेंट की वैल्यू होती है 0.0821 एटीएम मोल माइनस वन के माइनस वन लीटर, एटीएम मोल माइनस वन केल्विन माइनस वन, ये वैल्यू यूज की जाती है यहां पर, ठीक है। और इसको जब आप यूज करोगे तो जो आपकी ऑस्मेटिक प्रेशर आएगा, तो पाई इज इन एटीएम, पाई इन एटीएम, ये एटीएम में आएगा, ओके। अब एटीएम कितने के बराबर होता है, तो कभी कभी देखिए एटीएम दिया होता है, वन एटीएम इज इक्वल टू 1.01 बार इज इक्वल टू 1.01 × 10⁵ पास्कल या नैनोमीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, वो भी लिखते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई है, तो आइए न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उनको देखते हैं। तो नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन पे आपको न्यूमेरिकल दिख रहा होगा, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू 1% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया सॉल्यूशन एट 27°C। 1% वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है, 27°C दिया हुआ है, ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ रहा है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू क्या है ये बताना है आपको, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट दिया हुआ है, 1% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया कह रहा है कि भाई यूरिया हूं मैं, 27°C दिया हुआ है। चलिए तो आइए निकालते हैं, पाई इज इक्वल टू एम आर टी, आर हमको पता है, मोलरिटी हमको निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले मोलरिटी निकाल लेते हैं। तो मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। 1% यूरिया का मतलब क्या हुआ, 1% वेट बाई का मतलब हो गया कि 1 ग्राम यूरिया इन 100 ml। चलिए तो यूरिया का पहले हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए यूरिया का क्या निकालना पड़ेगा, मोलर मास NH2CO होता है, 14+2+12+16+14+2, ठीक है। तो इसका देखिए 14+2 16, 16+12 28+16 44+4 14 58+2 = 60। अब आइए निकालते हैं मोलरिटी इज इक्वल टू वेट, वेट कितना दिया हुआ है, 1 ग्राम डिवाइडेड बाई 60, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 100 ml / 1000, तभी आएगा।
तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/60 इंटू 100 इंटू 1000, 10 20 30, 10 20 30 कितनी आ गई मोलरिटी, 1/6। ठीक है, रख देते हैं पाई इज इक्वल टू 1/6 इंटू 0.0821 इंटू 27 को केल्विन में चेंज करेंगे तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा, 300। ठीक है, इसको 27 को अगर आप चेंज करोगे तो 273 जोड़ देंगे तो केल्विन में मिल जाएगा, तो केल्विन में ही रखते हैं। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिए आपको आंसर मिल जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली आंसर आता है इसका, आंसर 480 के आसपास आना चाहिए, देख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो मैं मिटा लूँ उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, 200 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन कंटेन 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर है, 200 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन कंटेन 1 ग्राम। तो अब देखिए पॉलीमर का वेट दिया हुआ है 1 ग्राम, वॉल्यूम दिया हुआ है 200 ml। आगे देखिए द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन इज, ऑस्मोटिक प्रेशर दे दिया हुआ है, OP इज इक्वल टू 1 × 10⁻²⁸ atm, टेम्परेचर दे दिया हुआ है 300 केल्विन, मोलर मास निकालना है, मोलर मास कितना होगा, आओ वेरी गुड, तो पाई इज इक्वल टू mRT। ठीक है, तो पाई दिया हुआ है 1 × 10⁻², मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, पाई इज इक्वल टू mRT, पाई दिया हुआ है 1 × 10⁻²। ठीक है, m के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, वेट दिया हुआ है 1 ग्राम, हमको निकालना क्या है इसकी, मोलर मास x मान लेते हैं, अपॉन वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम 200 दिया हुआ है तो इसको भी 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, इंटू आर 0.0821 इंटू 300 केल्विन। अभी आप कर पाएंगे, और सॉल्व कर दूं, चलिए इसको और सॉल्व करते हैं, 1 × 10⁻²² इज इक्वल टू 1/x इंटू 200, ऊपर जाएगा 1000 इंटू 0.0821 इंटू 300। चलिए कहाँ पे पहुँचे, ये देखिए एक दो कट गया, ये 10⁻², अगर इधर आता है x इधर चला जाता है, तो x इज इक्वल टू 1 × 1000 अपॉन 10⁻²² इंटू 0.0821 इंटू 3। अब देखिए 30 से यहाँ 3 8 point, ये भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 2 0 और बढ़ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 8 2 1 0 8 2 1 0, चार अंक तो यहाँ से 5, ठीक है, इंटू 3, ये वैल्यू आएगी। अब देखें कितनी अप्रॉक्सीमेटली इतना आना चाहिए, तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, हो सकता है कि मेरे कैलकुलेशन में गलती भी हो, सकता है मेरा सही भी हो, इट डिपेंड्स, तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैंने बता दिया। आइए कुछ चीज़ें बच गई हैं उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के क्या प्रकार हैं इनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए पहला टाइप है एक्सो ऑस्मोसिस। क्या होता है एक्सो ऑस्मोसिस का मतलब है कि आउटवर्ड फ्लो ऑफ मतलब कहीं से बाहर आ रहा है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट।
आउटवर्ड फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। और ये कब होगा, कब होगा, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक एग लिया हुआ है, मान लीजिए आपके पास एक एग है, ठीक है, ये एग है, थोड़ा पतला हो गया, थोड़ा मोटा बनाते हैं, ठीक है, एग की तरह लग रहा है क्या बच्चों, और ये इसके बाहर जो लगा हुआ है वो सेल होता है एग में, जिसको फोड़ने के बाद अंदर मटेरियल मिलता है। अब इसको अगर हम HCl से ट्रीट कर दें, HCl से ट्रीट कर देंगे तो इसका जो बाहर का कैल्शियम का लेयर होता है वो सेल क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे सेल क्या हो गया, सेल इज डिजॉल्व्ड। और सेल जब डिजॉल्व हो गया तो इसके बाद इसको अगर हम NaCl के सोल्यूशन में डाल दें, NaCl के सोल्यूशन में डाल दिया इस अंडे को, ठीक है, तो NaCl का सोल्यूशन अगर आपने लिया हुआ है, NaCl सोल्यूशन लिया हुआ है, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर की तरफ मूव करेगा, वाटर फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूव करेगा, या वाटर अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, और एग क्या कर जाएगा, एग श्रिंक कर जाएगा, एग श्रिंक कर जाएगा, और इस प्रोसेस को हम लोग एक्सोऑस्मोसिस की प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका NaCl का सॉल्यूशन था। आइए दूसरा देखते हैं, इंडोऑस्मोसिस। इंडोऑस्मोसिस क्या है, इनवर्ड फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, इनवर्ड फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड इंडोऑस्मोसिस, ठीक है। यही सेम एग लिया आपने, सेम एग लिया, और इसी सेम एग को हमने क्या किया कि वही प्रोसेस की, HCl डाल के इसका सेल को डिसॉल्व कर दिया या सेल को हटा दिया, और अब इसको हम लोगों ने कहाँ डाल दिया, वाटर में डाल दिया, ठीक है ना, वाटर यहाँ से बाहर निकल गया, वाटर यहाँ पे आपने डाला तो वाटर क्या करेगा, ये जो है आपने वाटर लिया है तो वाटर क्या करेगा, अंदर हो जाएगा, और सेल क्या हो जाएगी, एक क्या हो जाएगा, सेल्स फूल जाएगा, तो इसको कहते हैं इंडोऑस्मोसिस। तो मैक्सिमम प्रोसेस आपने देखा होगा, जैसे अगर आप किशमिश ले लीजिए, रेजिन ले लीजिए, और रेजिन को पानी में डाल दीजिए, तो रेजिन के अंदर पानी इनवर्ड फ्लो करता है, ठीक है, क्योंकि रेजिन के अंदर हायर कंसंट्रेशन है, रेजिन के बाहर लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, या वाटर अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, तो एक स्वेल कर जाएगा। दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड इंडोऑस्मोसिस। तो नोट करिए इसको, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं और आपके पास क्या बचा हुआ है, कुछ और भी टॉपिक है, जैसे रिवर्स ऑस्मोसिस हम लोगों को पढ़ना है, तो नेक्स्ट इसी में टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस में एक रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस है, उसको भी हम लोग देखते हैं। व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस जिसको RO भी कहते हैं, क्या होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। एक्चुअली रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज्ड टू प्यूरिफाई सैलाइन वाटर, तो लिख लो, यूज्ड टू प्यूरिफाई सैलाइन वाटर, सैलाइन वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस का यूज करते हैं। कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास सैलाइन वाटर है, और प्योर वाटर है, दोनों है, तो देखिए एक प्रोसेस हम लोग ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमने लगा रखी है। अब पीछे जो आपने प्रोसेस को पढ़ा उसके अकॉर्डिंगली आप खुद आंसर कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया है सैलाइन वाटर, और यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया है प्योर वाटर। अब बताइए मूवमेंट किधर से किधर की तरफ होगा, जाहिर सी बात है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा, मूवमेंट कहाँ होगा, इस तरफ से इस तरफ, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हमने लगा रखा है। लेकिन अगर हम यही कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम लोगों ने कोई पिस्टन लगा दिया और प्रेशर लगा दिया,
ठीक है, जिसको हम लोग कहते थे ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर ओपी। तो वो क्या करता है, प्रिवेंट द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, तो इसको ये क्या कर देता है, प्रिवेंट कर देता है। लेकिन अगर इस प्रेशर को इतना बढ़ा दें, मतलब व्हेन द प्रेशर अप्लाइड प्रेशर इज मोर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हेन द अप्लाइड प्रेशर इज मोर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, देन द सॉल्वेंट इज मूव फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। तो अब देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर को जब आप, या इस तरह से लिखिए, व्हेन अप्लाइड प्रेशर, अप्लाइड प्रेशर इज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, जब अप्लाइड प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सैलाइन साइड टू प्योर साइड, और इसी को कहते हैं ऑस्मोसिस, सॉरी रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के उल्टा हो रहा है काम। इतना प्रेशर अप्लाई कर दिया, जब ऑस्मोटिक प्रेशर से ऊपर का प्रेशर अप्लाई कर देते हैं, तो सैलाइन के साइड से सॉल्वेंट इधर की तरफ मूव करने लगता है, केवल प्योर सॉल्वेंट, तो हमारा सैलाइन वाटर क्या हो गया, प्यूरिफाई हो गया, प्योर की तरफ मूव कर गया। ठीक है, ये आपने क्या लगा रखा है, एसपीएम लगा रखा है। ओके, तो रिवर्स ऑस्मोसिस इज नॉट अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये भी आप लिख सकते हो कि रिवर्स ऑस्मोसिस इज नॉट अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, रिवर्स ऑस्मोसिस एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है, एंड इट रिक्वायर्स एनर्जी, एंड इट रिक्वायर्स एनर्जी, इसको एनर्जी की जरूरत पड़ती। ओके, तो आप लोगों ने ऑस्मोसिस देख लिया, रिवर्स ऑस्मोसिस देख लिया, एंडो ऑस्मोसिस, एक्सो ऑस्मोसिस देख लिया। आइए आगे, एक टॉपिक और बचा हुआ है जिसको हम लोग देख लेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे टाइप ऑफ सॉल्यूशन को किस तरह से बांटा गया है। तो मैं रब करता हूं, एक एक नंबर के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं जब बोर्ड एग्जामिनेशन में आप देखते हो, और कभी कभी अगर एग्जामिनर छोटे क्वेश्चन बनाना चाहता है, सिंपल क्वेश्चन बनाना चाहता है कम्पिटिटिव एग्जाम में, तो यहां से क्वेश्चन देते हैं। तो टाइप्स ऑफ, हेडिंग डालिएगा टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमारे पास दो तरह के सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन हमारे पास है ए, एक सॉल्यूशन है हमारे पास ए, और इसमें इसका आप, इसमें इसका आप जो ऑस्मोटिक प्रेशर है दैट इज पाई ए। दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास है बी, ये सॉल्यूशन है बी, और इसमें इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई बी। ठीक है, ओके, अब कंडीशन देखिए, कंडीशन क्या है, कंडीशन है, पहली कंडीशन, कंडीशन नंबर वन, व्हेन पाई ए इज इक्वल टू पाई बी, जब पाई ए पाई बी के बराबर होगा, तो ऐसे सॉल्यूशन को, जब पाई ए ऑस्मोटिक प्रेशर इसका और इसका बराबर हो जाएगा, तो सच सॉल्यूशन आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि पाई इज इक्वल टू, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, सी मीन्स कंसंट्रेशन, आर एंड टी आर द सेम, तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, मतलब यहां पे कंसंट्रेशन सेम होगा, इसीलिए आइसोटेनिक है। दूसरा कंडीशन, दूसरा कंडीशन है व्हेन, व्हेन पाई ए इज ग्रेटर देन पाई बी, या इसके अपोजिट भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, पाई बी इज ग्रेटर देन। अब ऐसे कंडीशन में जिसका कंसंट्रेशन कम है,
जिसका कंसंट्रेशन कम है तो सलू, अब यहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा किसका है, पाई ए का। पाई ए का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, तो पाई ए का कंसंट्रेशन जब ज्यादा होगा तो इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये कैसा हो गया, अब इसमें सॉल्यूशन ए को हम लोग कहेंगे, सॉल्यूशन ए इज कॉल्ड हाइपरटोनिक। हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपरटोनिक। और सॉल्यूशन बी को क्या कहेंगे, सॉल्यूशन बी जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम था वो कैसा हो जाएगा, हाइपोटोनिक। जिसमें कंसंट्रेशन कम है उसको हम लोग हाइपोटोनिक कहेंगे। तो जहां पे भी कंसंट्रेशन कम है वो हाइपो होगा, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वो हाइपर होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि हम लोगों ने किशमिश लिया और वाटर में डाल दिया, ठीक है। अब किशमिश के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है, वाटर के अंदर कंसंट्रेशन कम है, तो वाटर उसके लिए हाइपोटोनिक हो गया और किशमिश का कंसंट्रेशन कैसा हो गया, हाइपरटोनिक। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में मैंने यहाँ पे सारी बातें आपको बता दी हैं। तो अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज थैंक्स टू ऑल। मेरा आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि जितना हो सके इसको शेयर करिए, अपने कमेंट्स, अगर कोई डाउट रहता है तो अपने कमेंट्स जरूर करिए। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको उसका जवाब दूँ। जितना हो सके इसको सोशल साइट पे शेयर करिए, यही मेरा लास्ट रिक्वेस्ट है। थैंक यू।